वालेकुम डेली नया चैनल के साथ मैं हूं सरोवर छोड़ी। नाज़िम मैं मौजूद शेर कैद चला के पीआईबी कॉलोनी में। आज आपको विजिट करा रहे हैं कराची की मशहूर दाल जो कि आतिशी दाल। उमूमन आप लोग आतिशबाजी देखते होंगे लेकिन आज आपको खिलाएंगे आतिशी दाल। कैसा इसका जायका है और लोग कहां कहां से इसको खाने आते हैं, आइए मेरे साथ स्टूडियो में। नाज़रीन ये है आतिशी दाल के शेफ जो कि वक्फा ब वक्फा आतिशी दाल में तड़का लगा के लोगों को खिला रहे और लोग इनकी आतिशी दाल के ऐसे दीवाने हैं कि उनका हाथ नहीं रुक रहा ना ही रश रुक रहा है। तो जानूंगी ये राज क्या है, क्या ये तड़के का राज है या इसकी दाल का राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद कितने टाइम से आप यहाँ हैं? मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 25 साल है। 25 साल से? कितनी साल की उम्र में आप यहाँ आए थे? छोटा था तभी आया। दाल को तड़का लगाते हैं और किस किस को तड़का लगाते हैं? यहाँ पे दाल को भी तड़का लगता है, देसी घी से जो वहाँ हमारी मशहूर है, और कड़ी फ्राई को भी लगता है, चने की दाल को भी लगता है। अच्छा। देसी घी हमारे पास यहाँ फेमस है, ये बहुत दूर दूर से आते हैं लोग खाने के लिए, हैदराबाद से, लाहौर से, बंदे बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। टाइम हुआ इस रेस्टोरेंट को, कैफे रूट को? इसको तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से ये रेस्टोरेंट है और इसमें यहाँ पे जो देसी घी से तैयार है दाल भी और इसमें तड़का भी लगता है देसी घी का। अच्छा, तड़का किस चीज का लगाते हो? जीरे का बघार लगाते हैं इसमें, इसमें प्याज डाल के जीरे का बघार लगते हैं, मिर्ची भी डलती है कटी हुई। क्या क्या आपके पास है? कीमा है, कलेजी है, मुर्गी है, वो भी बहुत फेमस होता है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो चलती है वो जीरे वाली दाल चलती है, देसी घी से होती है, और वो होता है कीमा फ्राई। देख सकते हैं आवाजें लग रही है, चने की दाल, मूंग की दाल और माश की दाल, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं सारे तैयार हुए हुए अलग अलग यहाँ पे बॉल रखे हुए, जो चने की दाल का अलग है, मूंग मसूर की दाल का अलग है, और इसमें फिर तड़का दिया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। ये कितने की दाल की प्लेट है? 170 रुपए की ये दाल की प्लेट। अच्छा जी। और उसके साथ क्या देते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं देता। अच्छा, अच्छा, सिर्फ दाल है तड़के वाली जी। बाकी में देसी घी का तड़का है लेकिन आप भी देख सकते हैं दाल तैयार हो रही है। और अच्छा, अलग अलग दाल के अलग अलग प्राइस है, एक ही प्राइस? एक ही है, चने की दाल का अलग रेट है, सादी अगर लेंगे 120 की है, फ्राई लेंगे 170 की है, कड़ी भी, चने की दाल, माछ की दाल, जो भी आप ले। चलते हैं तड़के की तरफ और यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है, परिपाल लिया है, चने की दाल का तड़का तैयार हो रहा है और चने की दाल में तड़का लग रहा है। क्या तड़के से दाल ज्यादा अच्छी हो जाती है दाल के अंदर? आप खा के देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा जी नाज़िम, इन्होंने कहा खा के देखे तो पता चलेगा। अलग घी से होती है लेकिन जब तड़का लगता है उसमें देसी घी का लगता है, कुछ दाल का जायका और अच्छा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे दाल तैयार हो गई है, लाइनों से लग गई है और ज्यादातर इस दाल की ही डिमांड है। और आप लोग देख सकते हैं दोपहर का टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम है लेकिन रश ऐसा हो रहा है दोपहर वाला, दाल पे ही टूट पड़े कि ऐसा लग रहा है कि दाल अब दोबारा कहीं मिलेगी नहीं। चारों मूंग मसूर की दाल है जी। बघार लगाने से दाल ताजी हो जाती है जी, इससे ज्यादा फेमस हो जाती है और बहुत खाने में भी बहुत मजा आता है। अच्छा जी, फेमस भी हो जाती है और मजा भी आता है। लहसुन डाला है, प्याज डाली है, ये देख सकते हैं ये आवाज, ये देखिए जीरा डाल दिया, ये देखिए आवाज सुन रहे हैं आप लोग, ओए हो क्या कहने, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की, वाह जी वाह, ताजी हो गई दाल और हो गई है आतिशी दाल। जी नाज़िम, यहाँ पे दो दोस्त बैठे हुए और अमूमन ये यहाँ दाल खा रहे हैं, आई थिंक दाल ही है, लेकिन जानूंगी कि दाल क्यों खाई जा रही है वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? मैं मलीर कैंट से आया हूँ। मलीर कैंट से ये आतिशी दाल खाने है वजह? बस दाल इनकी अच्छी है, देसी घी का तड़का है। घर में इस तरह दाल नहीं बनती? ऐसी नहीं बनती, ऐसी नहीं बनती। कैसा इसका जायका, दाल का जायका है या इसका देसी घी का जायका? दाल का भी जायका है और देसी घी का भी जायका है, देसी घी से जरा अच्छी हो जाती है। हमेशा आप यहाँ खाना है जी? कमोपेश दाल तो मुझे भी बहुत पसंद है लेकिन जो इस पे तड़का दिया गया है देसी घी का, जो घर में नहीं लगता, यहाँ जो दिया गया उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, टेस्ट करके आपको बताते हैं। दाल का अपना जायका है और जो उसमें तड़का दिया गया है और जो जीरा लाल हुआ हुआ है ना, जीरे की जो खुशबू आ रही है जब जीरा मुंह में गया है तो उसका भी जायका बहुत अच्छा आ रहा है। तो मैंने ये दाल खाई तो है लेकिन साथ साथ इसका जो जायका है ना देसी घी से तड़का दिया हुआ उसका तो अलग ही जायका है। दाल का अपना जायका है, देसी घी का अपना जायका है। तो अगर कभी भी आपका पीआईबी कॉलोनी में चक्कर लगे, कैफे नूर पे जरूर आए उस आतिशी दाल को टेस्ट करने, तो दाल के लवर होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सुनोबर छोटी को दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेली नया।